श्री राधा बाबा कहते हैं, क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट होता है। क्रोध को भी हम जीते, क्रोध अपने से कमजोर पर आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं है उन पर। किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकला हो, उसकी उस बुराई को तो वह दूर करने से रहा, उल्टे वह बुराई एक बार दबकर अंत चेतना में वापस जाकर गहरी बन जाएगी। अतएव क्रोध से अपना और दूसरे का अनिष्ट ही होता है। सोचे, क्या हमने सबके मंगल का ठेका ले रखा है और हमारे क्रोध करने से ही उसका मंगल हो जाएगा, उसकी बुराई मिट जाएगी? किंतु यह भ्रम है कि मैं डांट टपट कर किसी को सुधार लूंगा। अपने बच्चों पर हम प्यार भरा शासन कर सकते हैं, पर उसमें क्रोध की गंध भी नहीं आनी चाहिए। हम जान भी नहीं पाते उन अवसरों पर उन बच्चों का, नौकरों का सुधार तो होना नहीं, उल्टे हमारी आस्तिकता की नींव भूकंप की भांति हिलने लगती है, जो अभी अभी आगे आने वाली विपत्तियों में हमें और भी खिन्न बना देती है। इस दोष को सर्वथा सर्वांश में जितना शीघ्र से शीघ्र हम कुचल सके कुचल डालें, नहीं तो उपासना का प्रसाद इस वर्तमान नींव पर निर्मित नहीं हो सकेगा। क्रोध की गंध भी उस उपासना के महल की दीवारों में दरार डाल ही देती है। अतएव खूब सावधानी से व्रत लेकर इस दोष पर हम काबू पाएं।